हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये वैसे 11th का टॉपिक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्यों ये डिफाइन की जाती है, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती। पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो इसलिए लाया गया है जिससे कि प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाए, कम समय में सॉल्व हो जाए और इंटीग्रेशन से हमें मुक्ति मिले, यानी कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत उसमें ना पड़े। क्योंकि इंटीग्रेशन से क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम काफी लंबी हो जाती है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो इंटीग्रेशन से बचाता है। तो अब आप ये समझिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट लाया गया है ये कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए लाया गया है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए कोई इसका मीनिंग नहीं होता। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के हिसाब से हम क्यों पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, पहले हम इस चीज को समझेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हमने यहां पर ये एक बॉडी ली, मास इसका एम है, कोऑर्डिनेट है इसके, मान लीजिए एक्स कॉमा वाई या एक्स वन कॉमा वाई वन, ऐसे मान लीजिए। हम इस बॉडी को पोजिशन ए से पोजिशन बी में लेकर के गए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 कॉमा y2। आप एक काम करें कि वैल्यूज दे दीजिए तो आपको थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगी। ये 1 कॉमा 2 है और इसको मान लीजिए आप ये है 3 कॉमा 4। क्लियर, ये कोऑर्डिनेट्स m मास की बॉडी है, ये पोजीशन a से पोजीशन b पर लेके जाई जाती है। मान लो ये पाथ नंबर 1 है, तो इससे जब बॉडी को हम लेकर के जाएंगे यहां तक तो वर्क करना पड़ेगा w1। यहां अगर हम इस वाले पाथ से लेके जाते हैं तो वर्क करना पड़ेगा w2। इस वाले पाथ से अगर हम लेकर के जाते हैं तो वर्क करना पड़ेगा W3। ये पाथ नंबर 2 है, ये पाथ नंबर 3 है। अब सोचिए कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्वेटिव है जिसकी वजह से आप बॉडी को ए पोजीशन से बी पोजीशन में ले जाते हैं, तो जो वर्क आएगा W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। क्लियर हो गया, ये वर्क क्या होते हैं से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी इस वाले पॉइंट पर t बराबर 0 पर बॉडी इस वाली जगह पर है, तो यहां मान लीजिए इसकी जो टोटल एनर्जी है बॉडी के अंदर, ये मान लो 50 जूल है। कितनी जूल है? 50 जूल। अब सोचिए कि अगर हम इस बॉडी को a से b तक लेकर के गए, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो आप देखेंगे कि किसी भी पाथ से ले जाइए तो जो वर्क करना पड़ेगा वो सेम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी को ए से बी तक पहुंचाने में जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा फोर्स के द्वारा, वो एनर्जी का ट्रांसफर तीनों ही केस में बराबर होगा। मैंने कहा कि मान लो यहां से यहां तक बॉडी को ले जाने में 10 जूल वर्क करना पड़ा, तो यहां भी कितना? 10 जूल। यहां भी कितना? 10 जूल। इसका मतलब समझिए आप कि यहां बॉडी में टोटल एनर्जी कितनी? 50 जूल। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हम ए से जब बी पर ले गए तो वर्क की जो वैल्यू आई, इस वाले रास्ते से 10 जूल, इस वाले रास्ते से 10 जूल, इस वाले रास्ते से 10 जूल। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल पोजीशन 1.2 और ये है 3.4। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मान लीजिए टोटल एनर्जी 50 जूल है, ये इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी UI से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, या EI लिख लो, ठीक है EI। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी होगी यानी कि ई फाइनल, तो फाइनल कितनी होगी? 50 जूल तो पहले ही थी इसमें, प्लस 10 जूल और आपने सप्लाई कर दी, तो कितनी हो गई? 60 जूल। कितनी हो गई? 60 जूल। तो बॉडी को ए से बी तक अगर हम लेकर के जा रहे हैं, बॉडी को ए से बी तक अगर हम लेकर के जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो बी पोजीशन में बॉडी के पास 60 जूल एनर्जी होगी, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। सोचिए कि अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते, कैसे फोर्स होते? नॉन कंजर्वेटिव। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते तो बी पोजीशन में क्या बॉडी के पास एनर्जी 60 जूल होती? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते तो इस पाथ पर वर्क डन, इस पाथ पर वर्क डन, इस पाथ पर वर्क डन अलग अलग आता, मान लो यहां 10, यहां 20, यहां 30, तो बी की बी पोजीशन में बॉडी की एनर्जी कितनी आती? 50 प्लस 10 50 प्लस 20 50 प्लस 30। अरे आता नहीं आता, तो एक इसमें कितनी हो जाती? इस वाले पास 60 या 70 यहां 80। तो इस तरीके से बी पोजीशन में बॉडी की जो एनर्जी है वो अलग अलग आती। क्लियर होगी बात? अब बात ये आती है कि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफाइन कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम फोर्सेस को कंजर्वेटिव लेते हैं
तो फिर हमें केवल इस बात से मतलब रहता है कि बॉडी इनिशियल पोजीशन में कहां है, बॉडी फाइनल पोजीशन में कहां है। हम फिर इस बात की चिंता नहीं करते कि बॉडी को किस पाथ से पोजीशन ए से पोजीशन बी में लेके गया, लेके जाया गया। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे होते तो फिर आपको बॉडी की बी पोजीशन में जो एनर्जी है ये फिक्स नहीं मिलती, वो अलग अलग पाथ के द्वारा जब बॉडी आती तो फिर यहां पर एनर्जी अलग अलग हो जाती। तो अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो फिर आपको ये परवाह करने की जरूरत नहीं होती कि बॉडी को पोजीशन ए से बॉडी को पोजीशन बी में किस पाथ से लेकर के जाया गया है। क्लियर हो गई बात? तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंजर्वेटिव जो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, जिससे कि बॉडी की पोजीशन बी में एनर्जी फिक्स रहती है, आप चाहे किसी भी पाथ से उसको लेकर के जाइए। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है और ये कितने टाइप की होती है। तो आप इसको ये समझिए कि देखिए जब भी हम कोई सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो उस सिस्टम को बनाने में हमको वर्क करना पड़ता है। कैसे? मैंने कहा कि आप मान लो एक ये चार्ज ले रहे हैं Q1 और दूसरा चार्ज ले रहे हैं ये Q2। क्लियर? तो कोई भी पर्सन इस चार्ज Q1 को यहां लाया होगा, कोई दूसरा पर्सन चार्ज Q2 को यहां लाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये चार्जेस यहीं पर हो। ये मान लो एक नंबर पोजीशन, ये दो नंबर पोजीशन, तो Q1 को कहीं से एक नंबर पोजीशन पर ला करके रखा गया होगा, Q2 को कहीं से दो नंबर पोजीशन पर ला करके रखा गया होगा। अब Q1 को एक नंबर पोजीशन पर, Q2 को दो नंबर पोजीशन पर ला करके जब रखा गया है तो कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा, अब ये वर्क हमें नहीं पता कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस ने किया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ने किया है, बट हमको ये पता है कि यहां जो चार्ज Q1 है एक नंबर पोजीशन पर, यहां जो चार्ज Q2 है दो नंबर पोजीशन पर, ये कहीं दूसरी जगह से ला करके रखे गए हैं। तो ये Q1 Q2 चार्जेस का हमने एक सिस्टम मान लिया। मान लो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो अगर हम Q1 Q2 चार्जेस को एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो इन चार्जेस के सिस्टम को बनाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क किया गया है, यानी कि कुछ एनर्जी खर्च की गई है। तो वो एनर्जी इस सिस्टम के अंदर है। सोचिए कि अगर ये एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आई है, किसकी वजह से आई है? कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, तो इस सिस्टम की इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर चार्जेस Q1 Q2 को कहीं दूसरी जगह से ला करके पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 2 पर रखा, और अगर इस सिस्टम को बनाने में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने वर्क किया तो वो वर्क जो होगा वो इस सिस्टम की, यानी कि Q1 Q2 चार्जेस से बने हुए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो सिस्टम है इसमें जो वर्क किया गया है ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का इसमें वर्क इंक्लूड नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए क्या इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा कि ठीक है, कहीं से इन चार्जेस को लाया गया, पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 2 पर रख दिया, तो भाई वर्क किया कंजर्वेटिव फोर्सेस ने। कितना वर्क किया? हम कहेंगे इसकी एनर्जी उस वर्क के बराबर है। अब हम क्या देख रहे हैं कि Q1 Q2 ये मान लीजिए चार्जेस हैं, Q1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, Q2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। मान लो कि Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मात्र इधर इधर की तरफ है, इस बाउंड्री से इधर की तरफ कोई फील्ड नहीं है, तो हम कहेंगे चार्ज Q2 जो है वो Q1 से कहां पर है? r = infinity पर। पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, हम डिस्कस कर चुके हैं इन्फिनिटी क्या होता है। चार्ज Q2 इन्फिनिटी पर है, इसका मतलब क्या है कि वो चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। इसी तरीके से अगर Q2 चार्ज को हम देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में इधर की तरफ, तो चार्ज Q1 भी इन्फिनिटी पर है। किसके लिए? Q2 के लिए। तो इसके लिए भी r = infinity। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम बना है दो चार्जेस का, हम कहेंगे ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे से इन्फिनिटी पर हैं। बट इस सिस्टम को बनाने में, यानी Q1 Q2 चार्जेस को r डिस्टेंस पर लाने में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कुछ वर्क किया होगा,
और वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। मान लो वो जो वर्क है वो W है, कब, जब ये दोनों ही चार्ज इंफिनिटी पर है, तो W क्या कहलाएगी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगी बात, इंफिनिटी पर जब ये चार्जेस हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मान लीजिए W। क्लियर हो गया। तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो वर्क डन आया है किसकी वजह से आ रहा है, ये चार्जेस की वजह से आ रहा है। अरे यहां हम चार्जेस को मतलब कहीं दूसरी जगह से लाए कि वन और टू पोजीशन पर चार्जेस को रख रहे हैं, तो वर्क जो करना पड़ रहा है ये चार्जेस के लिए तो करना पड़ रहा है, तो इस केस में जो वर्क हुआ है वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये चार्जेस को रिलेट करती है। अगर मान लो चार्जेस नहीं होते, केवल मासेज होते, केवल मासेज होते, एक मास को ला करके हम यहां रख देते हैं, मान लो मास है m1 और इससे r दूरी पर कोई दूसरा मास ला करके रख देते हैं, इसका मास मान लो वैल्यू है m2। अब हर मास भी एक फील्ड क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस मास का मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ है और इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ है, तो हम कहेंगे m1 m2 दोनों ही मास एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। क्लियर। बट इन दोनों मासेस के सिस्टम को बनाने में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कुछ वर्क किया है, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कुछ वर्क किया है, तो वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ये मान लो वर्क W2 है, यहां हमने इसको W मान लिया, W2, तो ये इसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां चार्जेस को रिलेट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर मासेस को रिलेट कर रही है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया। यहां पर ये दोनों ही मासेस कहां पर हैं, r इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, r इज इक्वल टू इंफिनिटी पर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक हम स्प्रिंग ले रहे हैं, ये एक स्प्रिंग हो गई और यहां पर ये एक ब्लॉक है, ये नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग स्पैन, ठीक है, और ब्लॉक जो है वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो अब क्या होगा कि अगर मान लो हम इस ब्लॉक को यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि स्प्रिंग जब इस पोजीशन में है, ये अपनी नेचुरल लेंथ है, ब्लॉक यहां पर है, तो इस सिस्टम को भी बनाया गया होगा कि कहीं ब्लॉक को लाए होंगे हम, स्प्रिंग से जोड़ा होगा, तो इस प्रोसेस में कंजर्वेटिव फोर्सेज ने वर्क किया है। तो इस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है W3 मान लीजिए इसको, क्योंकि जो वर्क करना पड़ रहा है वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैंने अभी आपको बात बताई है कि किसी भी सिस्टम को फॉर्म करने में जो हमको वर्क करना पड़ता है यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस को वर्क करना पड़ता है वो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो यहां पर वर्क कितना किया है W3 सिस्टम को बनाने में, तो ये इसके पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि अगर मान लो आप इस ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को आप थोड़ा इधर की तरफ लाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, अगर इधर खींचते हैं तो स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगा, तो इसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो कई टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपने अगर चार्जेस को रिलेट किया मतलब चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मासेस से अगर बात मासेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम स्प्रिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहां पर ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, समझ में आया। इसी तरह से केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो बहुत टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या, किसी भी सिस्टम को फॉर्म करने में कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जितना वर्क किया जाता है उस वर्क डन को उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। बात क्लियर होगी। 12th का जो हमारा कोर्स है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहां डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिस्कस किया जा रहा है, यानी कि क्यू वन क्यू टू चार्जेस को लाया गया है कहीं दूसरी जगह से तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कितना वर्क किया, इन मासेस को लाया गया है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कितना वर्क किया। हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं,
हम किसी और को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे, भाई नॉन कंजर्वेटिव की बात क्यों नहीं कर रहे? तो समझने वाली बात है, मान लो कि ये चार्ज पहले यहां पर रखा था Q1, ये वाला चार्ज यहां पर रखा हुआ था Q2। अगर मान लो हम Q1 को यहां लेकर आ रहे हैं तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इसको ऐसे ला सकते हैं, इसको ऐसे ला सकते हैं, यहां से ला सकते हैं, या ऐसे ऐसे घुमा करके भी ला सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेज ने चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क किया है, तो इसका मतलब क्या है, वो तो फिक्स ही रहा होगा, चाहे वो इस वाले पाथ से आया, चाहे इससे आया, चाहे इससे आया, चाहे इससे आया। मैंने कहा कि यहां से यहां तक लाने में कितना 50 जूल वर्क किया, कितना किया है 50 जूल। तो अब चाहे किसी भी पाथ से लाएं, तो पोजीशन नंबर 1 में जब ये चार्ज पहुंचेगा तो कितना वर्क आया 50 जूल। इसी तरीके से मान लो Q2 को डिफरेंट डिफरेंट पाथ से यहां पर लाया गया, तो आपको पता है कि अगर मान लो कंजर्वेटिव फोर्सेज ये काम कर रहे हैं चार्ज Q2 को लाने का, तो किसी भी पाथ से ले आओ तो वर्क बराबर होगा। मान लो 10 जूल वर्क किया, क्लियर? तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस Q1 Q2 चार्जेस को कहीं से ला करके यहां रखते हैं, सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो अब इस सिस्टम के अंदर एनर्जी होगी 50 + 10 = 60 जूल। तो हम कहेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 60 जूल। क्लियर होगी बात? तो चार्जेस आर दूरी पर हैं, चाहे वो कैसे भी आए, कहीं से भी आए, किसी भी तरीके से आए, किसी भी पाथ से आए, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज ने लाने में वर्क किया है तो वो हमेशा 60 जूल होगा। तो Q1 Q2 चार्जेस को आर दूरी पर अगर रखेंगे इस तरीके से, तो इस सिस्टम की एनर्जी 60 जूल होगी। बट अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो आप देखेंगे कि Q1 Q2 को आर दूरी पर लाने में वर्क 60 जूल नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट वर्क आएंगे। इस वाले पाथ से लाएंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कुछ और आएगा, यहां से लाएंगे कुछ और आएगा, यहां से लाएंगे कुछ और आएगा, यहां से लाएंगे कुछ और आएगा। तो यहां पर इस चार्ज को लाने में अलग अलग वर्क होंगे। इसी तरह से अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यहां से इस चार्ज को लाते हैं अलग अलग पाथ से, तो यहां पर लाने में अलग अलग वर्क होंगे। तब आप देखेंगे कि इन चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है फिर बहुत सारी हो जाएंगी। कोई 60 जूल बताएगा, कोई 70 जूल बताएगा, कोई 80 जूल बताएगा, कोई 800 जूल बताएगा, कोई 8000 जूल बताएगा। तो उससे तो भाई साहब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आपको यही नहीं पता कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फिर तो बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे। बट अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस की यहां कंडीशन लगा दें तो फिर सिस्टम के पास केवल एक ही एनर्जी होगी। तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है। बात क्लियर हो गई? तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम? सिस्टम को बनाने में हम जितना भी वर्क करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा, तो वो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अगर मान लीजिए उस सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तब भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है या होती है, हम कह सकते हैं। जैसे कि ये चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तब भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है। बट होता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये फॉर्चुनेटली हमें किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग हो सकती है। एक बच्चे ने यहां पोटेंशियल एनर्जी 60 मान ली, एक कह रहा है नहीं जी यहां तो 80 ले रहा हूं, एक कह रहा है नहीं जी मैं तो यहां 800 ले रहा हूं। ले लो भाई, आप कुछ भी मान लीजिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज Q1 Q2 को लाने में जो वर्क होगा वो अलग अलग हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा। कैसे? कि Q1 को हो सकता है यहां से ला करके रखा गया हो, और हो सकता है Q1 को यहां से ला करके रखा गया हो, तो वर्क तो अलग अलग आ सकते हैं। तो तुम्हें तो ये पता है ना कि सिस्टम जो है इसके अंदर Q1 यहां पर है और Q2 यहां पर है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं पूछूं बताओ कितनी है, तो आपके अनंत आंसर होंगे। कितने होंगे? अनंत। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अगर मैं आपसे यह पूछूं, तो इसके आंसर्स कितने होंगे? इनफिनिट। कुछ भी आप बता दीजिए। तो इसलिए कभी भी हम किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट कितनी पोटेंशियल एनर्जी है यह नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इन चार्जेस को जो लाकर के यहां रखा गया है, ये चार्जेस कहीं से भी आ सकते हैं, इस दुनिया के किसी भी कोने से आकर के यहां पर रखे जा सकते हैं। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से इन चार्जेस को यहां पर ला करके रखेंगे, तो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस का अलग अलग आएगा। तो इसलिए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ सकती है। तो मैं आपको बताऊं किसी भी सिस्टम की, इसलिए आप एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, और हमें इसकी जरूरत भी नहीं होती कि किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। क्यों? क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, हमें जो जरूरत होती है, हमें केवल इस बात की जरूरत होती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कितनी है, सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अभी जैसे मैंने कहा कि ये 60 मान लो, एक ने कहा जी मैं तो 80 ले रहा हूं, एक ने कहा जी मैं तो 800 ले रहा हूं, एक ने कहा जी मैं तो 0 ले रहा हूं। तो कुछ भी मान लीजिए,
आपके आंसर में कोई मिस्टेक होने वाली नहीं है। आप जो एक बार डिसाइड कर लेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, आप उसी को थ्रू आउट कैलकुलेशन में लेकर के चलिए, आपके आंसर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती, किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जा सकती, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो होता क्या है जनरली कि जब दो चार्जेस या दो बॉडीज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती हैं, तो हम उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमने सुविधा के लिए कंसीडर किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि आप जितनी बड़ी है वैल्यू मान करके चलोगे तो कैलकुलेशन में उसको एड ही तो करना है, तो भाई उसको जीरो ही मान लो तो आपकी कैलकुलेशन ही आसान हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि हम जब दो पार्टिकल इंफिनिटी पर होते हैं या सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं वो पार्टिकल्स हैं वो इंफिनिटी पर होते हैं, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं सिस्टम की? जीरो। जबकि जीरो हो ये जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एग्जैक्ट डिफाइन नहीं की जा सकती। बहुत सारे आंसर्स इसके पॉसिबल है, बट फॉर्चुनेटली हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली है, क्योंकि हमें जरूरत होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। क्लियर होगी बात? ठीक, तो देखिए अब आगे इसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, और हमें जो मतलब होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखिए हमको इसे डिफाइन करना है कि भाई एक फॉर्मुलेशन इसकी बनानी है पोटेंशियल एनर्जी की, और मैं आपको बताऊंगा कि हमें किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी लेने की क्यों जरूरत नहीं होती, हमें केवल जरूरत होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो वो अब आपको यहां से समझ में आएगा कैसे। हमने मान लिया कि सपोज ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी को कहीं से ला करके यहां रख दिया गया है। तो कहीं से लाया गया इस बॉडी को, यहां रखा गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स ने कुछ वर्क किया होगा, हो सकता है जीरो वर्क हो सकता है कुछ वर्क हो। तो हमने मान लिया कि हां जी कुछ वर्क किया उस कंजर्वेटिव फोर्स ने, तो कितना वर्क किया है उस वर्क को इस बॉडी की या पार्टिकल जो भी आप ले रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो मान लीजिए ये बॉडी पोजीशन ए में है, इसका मास एम है, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है यू आई। क्लियर हो गया? हम इस बॉडी को पोजीशन ए से पोजीशन बी में ले जाना चाहते हैं। आप इस वाले पाथ से लेके जा सकते हैं, आप इस वाले पाथ से लेके जा सकते हैं, आप इससे लेके जा सकते हैं। ये पाथ नंबर वन, ये टू और ये थ्री। इस वाले पाथ से ले जाएंगे तो वर्क होगा डब्ल्यू वन, इस पाथ से ले जाएंगे वर्क होगा डब्ल्यू टू, इस पाथ से ले जाएंगे तो वर्क होगा डब्ल्यू थ्री। सोचिए कि अगर ये वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया है, बॉडी पोजीशन ए में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यूआई, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है कहीं से लाकर इस बॉडी को यहां रखने में यूआई, तो इतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? इसको ए से बी में पहुंचा दिया गया है, कंजर्वेटिव फोर्सेज ने अलग अलग रास्तों से पहुंचाया, तो अब यहां इस बॉडी में कितनी एनर्जी होगी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल कितनी है यूआई, तो यूआई में कुछ और पोटेंशियल कुछ सॉरी और एनर्जी ऐड हो गई। समझो कैसे? अरे यूआई तो पहले ही थी ना, अब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं, तीनों पास से बॉडी को ले जा रहे हैं, तो वर्क तो सेम आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? क्योंकि वर्क कौन कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क केवल बॉडी की इनिशियल फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर तो वो डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या होगा कि डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू थ्री। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दिस इज इक्वल टू, मैंने इसको लिख दिया वर्डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फोर्स जो लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं इस बॉडी पर बाहर से, समझ में आया? तो एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स अभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि यहां तो बॉडी ही एक है, तो यहां तो जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल इंटरनल एक ही हो गया, क्योंकि यहां पर हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है, तो इस पर जो भी फोर्स आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स आएगा, क्योंकि यहां पर सिस्टम में कई सारे पार्टिकल नहीं है। अगर हम सिस्टम कंसीडर कर रहे होते तो उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते तो वो एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स लगाते, तो वहां पर इंटरनल फोर्स आ जाता, बट यहां पर क्या हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो डब्ल्यू वन की वैल्यू मैंने क्या लिखा, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो वर्डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, इसका भी, तो तीनों का वर्क सेम है। तो यहां पर जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी आई, तो पहले से इतनी एनर्जी तो इसमें भरी हुई है, अब जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है वो वर्क पॉजिटिव है, एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया वो वर्क क्या है, पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव वर्क का मतलब कि जिसने वो फोर्स लगाया है उसने अपनी एनर्जी निकाली है और बॉडी को दी है। अरे वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि जिसने फोर्स लगाया है वो अपने से एनर्जी निकालेगा और जिस पर लगाया है उसको दे देगा। तो फोर्स किस पर लग रहा है? बॉडी पर। तो बॉडी के अंदर ये एनर्जी जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो जितना वर्क किया वो वर्क एनर्जी किसमें चली गई? बॉडी के अंदर। तो अब बॉडी में कितनी एनर्जी आएगी? तो इनिशियल थी यू आई प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये आई। तो अगर यहां से मैं ये कहूं कि वर्डन बाई एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू वर्डन बाई एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू, तो ये आएगा यू फाइनल माइनस यू आई, दिस इज इक्वल टू डी यू, दिस इज इक्वल टू डी यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको यह देखना है कि सिस्टम को या हम किसी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले गए तो जो एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया वो वर्क कितना आएगा, तो वो वर्क आएगा उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, स्टार मार्क कर लो, यानी इसका मतलब है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू डी यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और या मैं आगे लिख देता हूं यहां पर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डीयू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी या सिस्टम। अगर कोई सिस्टम ले रहे हैं तो ये उसके बराबर आएगा। क्लियर होगी बात? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है ये किसके बराबर है? एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स ने सिस्टम पर या बॉडी पर कितना वर्क किया है। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए हम किसी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई ए पोजीशन से बी पोजीशन में बॉडी गई तो कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। देखिए आपने पिछला जो लेक्चर पढ़ाया है कंजर्वेटिव फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, उसमें हमने वर्क फाइंड किया था कि भाई कांस्टेंट फोर्स ने कितना वर्क किया, या जो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप की फॉर्म में जो फोर्स है उसने कितना वर्क किया। तो हमने जो वहां वर्क फाइंड किया तो उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है? नहीं होता। होता है, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को लंबाई करता है, आसान नहीं बनाता, इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम टफ होती है। बट अगर उसी चीज को आप यहां पर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब कि सिस्टम पर जो हमने फोर्स लगाया है कंजर्वेटिव फोर्स वो कितना सिस्टम पर वर्क करेगा, तो आपको सिर्फ सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसमें से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपको डायरेक्ट वर्क देगा, आपको इंटीग्रेशन से बचाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब देखिए यहां पर एक चीज और है। जैसे मान लो मैंने ये चार्जेस लिया, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चार्ज है क्यू वन और ये चार्ज है क्यू टू। क्लियर? दोनों ही मान लो Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है, रिपल्सन है, ये बीच का डिस्टेंस है R। अब क्या है कि मैं इस चार्ज को मान लो यहां पर लेकर के आ रहा हूं तो इधर की तरफ लाऊंगा इस वाली पोजीशन, ये चार्ज यहां पर आ गया Q2, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्योंकि इस चार्ज की टेंडेंसी क्या है? इसमें रिपल्सन की, ये तो इसको इधर भगाएगा। तो FE इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर की तरफ लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वास्तव में क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, बट ये फोर्स इन दोनों चार्जेस को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। समझिए, मैंने जो यहां एक्सटर्नल लिखा है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने यहां पर लिखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि Q1 Q2 दो चार्जेस का हमने सिस्टम लिया, Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स जो है वो कौन सा है कि ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स आ रहा है ये सिस्टम के अंदर से आ रहा है। कहां से आ रहा है?
अंदर से आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स है, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये होगा इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो गई बात, ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मान लो कि ये चार्ज पहले Q1 Q2 इतनी दूरी पर है, मान लो ये दूरी है R1, और अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया मान लीजिए R2, कितना हो गया R2। तो अब बताइए कि हम अगर ये देखें कि हम इस चार्ज को यहां से यहां तक लाए, तो वर्क डन बाय अस अगर हम ये फाइंड करेंगे तो वर्क डन बाय अस इज इक्वल टू इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, तो यानी कि ये आएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल तो इस वाली पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मान लो U है, और जब चार्जेस यहां थे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UI। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, वो आएगा वर्क डन बाय अस, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस। मुझे इसको अगर लिखना है तो मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन बाय अस, और बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक ही बात है, जब भी हम बात करेंगे कि वर्क डन बाय अस मतलब सिस्टम पर हम कितना वर्क कर रहे हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स है वो कितना वर्क कर रहा है। एक ही बात आ गई, क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां पर आपको एक बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप ये समझिए कि जब हम सिस्टम में देख रहे हैं कि भाई सिस्टम में इंटरनल फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है, एफ, तो ये इस चार्ज को इधर की तरफ रिपेल कराएगा। हम जो फोर्स लगाएंगे, जितना सिस्टम ने इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ये भी कितना लगाएंगे हम, एफ ई। अगर यहां पर फोर्स इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एफ ई है तो हम भी कितना लगाएंगे, एफ ई। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है उससे एक्स्ट्रा या उससे ज्यादा या उससे कम हम एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स लगाएं। जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में लग रहा है, अगर हम मान लीजिए पोजीशन को चेंज करते हैं इस चार्ज के, यहां से यहां लाते हैं, तो हमको भी क्या करना है, हमको भी जो एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स है वो इसके इक्वल और अपोजिट रखना होता है। ऐसा क्यों है, आप इस लॉजिक को समझिए। आपकी किताबों में कई बार दिया होता है कि हम एक चार्ज को इंफिनिटी से, जैसे ऐसा होता है कि एक चार्ज ये Q1 है, ठीक है, और ये इंफिनिटी है, हम इंफिनिटी से एक चार्ज Q2 को लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहां तक हम लेकर के आए, तो ये जो चार्ज इधर की तरफ आएगा ये विदाउट एक्सेलरेशन आएगा। कुछ ऐसा होता है कि यानी कि जैसे मान लो हम चार्ज को यहां ले आए, तो यहां ये Q2 आ गया यहां पर, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, एफ ई। तो हम क्या करते हैं कि यहां अपनी तरफ से भी जो हम फोर्स लगाते हैं इधर की तरफ लाने के लिए, हमें चार्ज को यहां लाना है, तो हमने देखा यहां पर है, मान लो चार्ज यहां से चलते चलते यहां आ गया, तो इसने इसको रिपेल किया एफ ई फोर्स से, तो हम भी यहां पर कितना फोर्स लगाएंगे, इसी के इक्वल अपोजिट। ऐसा हम क्यों करते हैं, जिससे कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। नेट फोर्स अगर इस पर जीरो हुआ तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो अगर इसमें हुआ तो इससे वेलोसिटी में क्या होगा, वी डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है कि जितनी स्पीड से तुम इस चार्ज को यहां से लेकर के चले तो उतनी स्पीड से आप इस चार्ज को आगे की तरफ चला पाते हैं। क्यों, क्योंकि आप स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हैं, स्पीड चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है तो वो तभी पॉसिबल है जब जितना इस चार्ज ने इसको इधर लगाया तो उतना ही हम लगाएं इस पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो विदाउट एक्सेलरेशन इस चार्ज को हम इधर की तरफ लाते हैं। तो बात यहां पर यह है कि हम विदाउट एक्सेलरेशन ही क्यों लाते हैं, हम एक्सेलरेशन के साथ क्यों नहीं ले आते, क्योंकि अगर हम इस चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन यहां से यहां लेकर के आते हैं तो जब विदाउट एक्सेलरेशन लाएंगे तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो वेलोसिटी में जो चेंज नहीं है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पर है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी चार्ज की हर पॉइंट पर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना, तो फिर आप जो फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वो तो वर्क कर रहा है। अरे वो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल, आप यहां से यहां तक चार्ज को ला रहे हैं वर्क, मतलब फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं, मतलब आप एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। तो अब बात आएगी कि वो एनर्जी कहां जाएगी, सोचिए, क्या जो हमने वर्क करने में एनर्जी खर्च की, क्या वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गई, सोचिए जरा,
भाई साहब यहां भी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए, ये हमने यहां 10 जूल मान ली, कितनी मान ली 10 जूल, यहां 10 जूल, और जब एक्सेलरेशन जीरो है मतलब जितना फोर्स इलेक्ट्रिक इस चार्ज Q1 ने लगाया उतना ही हमने लगाया, तो हर जगह पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि जितना ये चार्ज इधर लग रहा है उतना ही हम लगा रहे हैं, नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो यानी नो चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सेम। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो वर्क कर रहे हैं, हम जो वर्क एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि हमने जो वर्क करने में एनर्जी खर्च की है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, तो फिर कहां गई? तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं। कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, जो आपने वर्क किया है वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में नहीं गया, तो किसमें गया? पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें गया? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब यह है कि Q1 Q2 चार्जेस जब एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर थे तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया, इन्होंने एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी थी 50 जूल, मान लो इनिशियली कितनी थी 50 जूल। अब आप इस चार्ज को यहां से यहां पर ले आए, आपने 500 जूल वर्क किया, आपने एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स लगाया, कितना वर्क किया 500 जूल, तो 500 जूल एनर्जी आपने तो खर्च कर दी। अब वो गई कहां? सोचो, क्या वो काइनेटिक एनर्जी में गई? नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्स्टेंट है यहां से यहां तक, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो फिर कहां जाएगी? कहां जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी में आएगी। किसमें आएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब पोटेंशियल एनर्जी, ये तो इनिशियल थी 50, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? 50, पहले थी 500, ये तो 550 जूल। कितनी हो गई? 550 जूल। यानी कि जब ये Q1 Q2 चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे तो एनर्जी कितनी थी? 50 जूल। लेकिन जब इस चार्ज को यहां से हम यहां पर लाए तो 500 जूल हमने वर्क किया, तो ये 500 जूल वर्क जब हुआ तो अब इस सिस्टम की एनर्जी हो गई 550। तो ये फाइनल पोटेंशियल है। तो चेंज कितना हुआ, यानी कि डेल्टा यू या डी यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू कितनी आएगी? 500 जूल। अरे सिस्टम की 500 जूल ही तो चेंज हुई है, पहले कितनी थी 50, अब कितनी होगी 550, तो चेंज कितनी हुई? 500 जूल। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि एक इंफिनिटी से चार्ज Q2 को लाया जाता है इस चार्ज के क्लोज r दूरी पर, तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अगर आप वर्क फाइंड करेंगे तो आप ये देख लीजिए कि जब ये इंफिनिटी पर थे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये चार्ज यहां आ गया तो अब सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कर लीजिए, जो भी आएगा वो क्या आएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस पूरी प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल को विदाउट एक्सेलरेशन लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? कंसेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि अगर विदाउट एक्सेलरेशन लाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तब हम सीधा सा कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो वर्क किया गया है वो वास्तव में किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो बहुत सारी डेफिनेशंस आप ऐसी पढ़ेंगे कि पार्टिकल को हम अनंत से लेकर के आएंगे फील्ड के अंदर विदाउट एक्सेलरेशन, तो वो सिर्फ कंसेप्ट इसी चीज के लिए है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क एनर्जी कहीं काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर यहां काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ एनर्जी जाएगी तो फिर आप ये नहीं बता सकते कि आपके द्वारा किया गया वर्क कितना है। आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये भी पता चल जाए कि कितनी एनर्जी काइनेटिक में गई है और कितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में गई है। तब आपके द्वारा किया गया वर्क काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आता, तो आपके लिए काम ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि आपको पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती, तब आप वर्क डन फाइंड करते। अरे करते नहीं करते, बिल्कुल तभी करना पड़ता। तो बेटर यह है कि एक ही एक तरफ से इसको साफ करो, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट को हटाओ यहां से, तो एक ही वो केवल तभी पॉसिबल है जब आप पार्टिकल को विदाउट एक्सेलरेशन लेकर के आए, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी चेंज आया वो पोटेंशियल एनर्जी के आया, और पोटेंशियल एनर्जी में आया तो इससे ये हो गया कि जो वर्क आपने किया वो सारा के सारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया है कि जो वर्क की हम बात करते हैं, वर्क डन वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस। सोचिए कि अगर मैं इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क लिखूं, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क लिखूं, मैं लिखता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये था वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस। और देखो हम इसको, अगर हम एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ले लें,
जैसे ये बात कि भाई ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है। तो आप ये देखिए कि चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो हमारा वर्क कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो हमारा वर्क क्या है? पॉजिटिव। तो हमने तो पॉजिटिव वर्क किया, तो हमारा जो ये जो आंसर आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये कैसा आना चाहिए? दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि हमने सिस्टम को एनर्जी दी है, हमने सिस्टम को एनर्जी दी है। अब हम देख रहे हैं कि जो इंटरनल फोर्स है इसकी वजह से अगर हम वर्क देखें तो आप देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है बट फोर्स इधर ले रहा है, तो वर्क क्या है? इंटरनल कंजर्वेटिव कैसा वर्क कर रहा है? नेगेटिव। अरे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का कैसा वर्क है? नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर यह लिखूं कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो क्या यह सही होगा बताइए? अरे क्या यह सही होगा वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्क है ये नेगेटिव है, ये वर्क कैसा है? नेगेटिव। बट अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊं तो अपनी तरफ से माइनस का साइन और लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का साइन अब इसकी वजह से जो वर्क आ रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव वर्क जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो हमें यही वैल्यू देगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो फोर्स हमने इधर लगाया उससे डिस्प्लेसमेंट भी इधर आया, तो हमारी वजह से जो किया गया वर्क वो पॉजिटिव आया। क्लियर? तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कैसा है? पॉजिटिव। बट हमें पता है कि जो हमारा जो फोर्स होता है एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हम जो फोर्स लगाते हैं वो इंटरनल के अपोजिट लगाते हैं, इंटरनल इधर तो हम इधर लगा रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इंटरनल का क्या आएगा? नेगेटिव। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या है कि हमने कितना वर्क किया वो सिस्टम के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ये पॉजिटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए, इट इज वेरी यूजफुल रिलेशन, ये रिलेशन आपको हर जगह पर यूज करना पड़ेगा। तो जब भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा होगी तो आप दो तरीके के फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले कि सिस्टम पर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, क्योंकि एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स तो आपको लगाना होता है, कितना लगाना होता है? जितना इंटरनल है उसके जस्ट इक्वल और अपोजिट, जिससे कि एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो, जिससे कि वर्क डन जो आएगा वर्क एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो। क्लियर होगी बात? तो ये थोड़ा सा हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, वो देखिए रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जब हम डिफाइन करते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती, एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती। हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चार्जेस को लाया जा सकता है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस अलग अलग वर्क कर सकते हैं। तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कुछ भी ले सकते हैं, बट हमें एक्चुअल में जरूरत भी नहीं है उसकी। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें वर्क फाइंड करना है कि बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले गए तो भाई कितना हमने वर्क किया। बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले जाते हैं तो बॉडी पर हमने कितना वर्क किया, तो वो वर्क किसके द्वारा निकाला जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां आया था, मैंने फाइंड किया था, ये रहा वर्क डन बाय अस, यानी कि वर्क डन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस, और लिख सकते हैं बाय अस, इसका मतलब क्या है? हमारे द्वारा, बाय अस, यानी वर्क डन बाय अस इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो अब हमारे द्वारा जो किया गया वर्क है केवल इस बात पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। अब देखो, मान लो कि एक बच्चे ने इनिशियल कितनी मानी, 50 जूल, और यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए फाइनल पोटेंशियल होगी 600 जूल। कितनी होगी? 600 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन बाई अस, हमने कितना वर्क किया? 550 जूल। यानी कि
यहां से हम पार्टी बॉडी को उधर लेके, यानी पार्टिकल को बॉडी को उधर लेके हमने 550 जूल वर्क किया, क्लियर हो गया। अब एक ने क्या किया, आप ऐसे मान लीजिए इनिशियल इतनी थी और 550 जूल हमने वर्क किया, तो यहां कितनी हुई 600। एक ने यहां 1500 जूल मान ली, कितनी मान ली 1500, और इनिशियल 1500 है और ये हो गई 2050 जूल। अब वर्क कितना आएगा, 2050 माइनस 1500 550। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप इनिशियल कितनी ले रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली है, क्योंकि आपको तो वर्डन फाइंड करना है ना, तो वर्डन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, आप जो यहां मानोगे उसके हिसाब से आपको यहां पर आंसर मिलेगा कि फाइनल कितनी होगी। जितनी आपने मानी, जितनी आपने मानी और यहां से यहां तक ले जाने में जितना वर्क आपने किया, उस वर्क को इसके साथ जोड़ दो तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका वर्क आ जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 50 ले रहे हैं या 1500 ले रहे हैं या 600 ले रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए मैंने आपको यहां बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्चुअल में किस पर डिपेंड करती है, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि आप कहां पर रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि जैसे मान लो हमने बात की कि ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, हमने ये मान लिया कि दोनों चार्जेज ये इंफिनिटी पर हैं, R इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम की इनिशियल जीरो मान लो, तो ये हमारा रेफरेंस स्टेट हो गई, यानी रेफरेंस स्टेट हमारी इंफिनिटी हो गई। हमने इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना है, सिस्टम की जीरो, समझ में आया। तो अगर यहां पर मैं जीरो मान रहा हूं तो अब फाइनल जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखूंगा, मान लो कि अभी तो जब ये इतनी दूरी पर हैं तो जीरो है, जब ये चार्ज यहां पर आ जाएगा तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो है। मैंने कहा कि चार्ज को यहां से मैं यहां तक लाया, देखो Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं इंफिनिटी पर हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसको यहां से यहां तक लाने में 500 जूल वर्क किया, तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज Q2 यहां आ गया तो अब इस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 500 जूल। अगर यहां पर मान लो मैं 100 लेता तो अब कितनी होती 600, यहां मान लो मैं 1000 लेता और 500 जूल वर्क किया तो अब कितनी होती 1500 जूल। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि आपने रेफरेंस पॉइंट कहां लिया है और वहां पर कितनी आपने एनर्जी मानी है। आप रेफरेंस पॉइंट अगर इंफिनिटी ले रहे हैं तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी भी मान लीजिए उसी के हिसाब से आपकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो जनरली क्या होता है, इंफिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, क्लियर हो गया, क्योंकि हम बेकार की कैलकुलेशन बढ़ाएं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्लियर हो गया बात। अच्छा एक चीज और इसमें आपको यहां ध्यान रखनी है कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि वर्क और एनर्जी तो वर्क और एनर्जी एनर्जी वास्तव में ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। कभी भी आप कंफ्यूज ना हो कि सोचने लगे कि जी वर्क और एनर्जी दोनों ही एक ही चीज होती है, क्योंकि इनकी यूनिट सेम होती है। वर्क और एनर्जी की यूनिट जरूर सेम है, वर्क की एनर्जी भी जूल, वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज है। आप समझिए एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है बॉडी की एबिलिटी है कि वो कितना वर्क करती है, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर बॉडी किस बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो वर्क कहलाएगा। यानी कि एक बॉडी को मैंने 500 जूल एनर्जी दे दी तो 500 जूल वर्क हुआ, अगर बॉडी से 500 जूल एनर्जी ले ली तो -50 जूल वर्क हुआ। तो वर्क है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लेकिन एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए, एनर्जी एंड वर्क बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बट दे हैव सेम यूनिट। क्लियर हो गई सारी कहानी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा ये है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ये हमको इंटीग्रेशन से बचाता है। इंटीग्रेशन से ये हमको कैसे बचाएगा इस पर हम विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन लिया, एग्जांपल से आप इसको समझ लीजिए कि सपोज ये हमारे Q1 Q2 दो चार्ज हैं, एक चार्ज है हमारा Q1 दूसरा चार्ज है हमारा Q2। ये चार्ज मान लीजिए फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड, बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R1 है, इस समय इसको यहां से रिलीज कर दिया, रिलीज जब इसको करेंगे तो ये चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। जब ये चार्ज मान लो R2 डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा
ये चार्ज आर टू डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, तो बताइए उस समय इसमें कितनी स्पीड होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, इस तरह की प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, याद करो कूलम्स लॉ जब पढ़ाए थे तो वहां भी ऐसा ही हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक दो क्वेश्चन किए थे हमने वहां भी डिस्कस। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो आपको बताया कि जब ये चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो ये जो फोर्स है वो इस टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू ए इंटू क्यू वन क्यू टू ओवर डिस्टेंस कितना है आर वन, आर वन स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि जब ये चार्ज रिपल्सन से इधर की तरफ जाएगा तो आर वन चेंज होगा, आर वन चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग रहा है ये एक वेरिएबल फोर्स है। क्या है ये? वेरिएबल फोर्स, यानी कि फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट। फोर्स लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है तो मतलब जब फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी होगा जो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एफ जो है ये क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरिएबल, इसके अंदर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है यानी कि वेरी कर रहा है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन जब हम फाइंड करते हैं तो फोर्स अपॉन मास होता है, हमने इसका मास मान लीजिए एम ले लिया है, तो फोर्स अपॉन मास होता है और हम इसको लिख सकते हैं वी इंटू डीवी ओवर डीएक्स, वी इंटू डीवी ओवर डीएक्स। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्लियर, पीछे हम पढ़ चुके हैं इस तरह से लिखा जा सकता है। अब कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, मान लीजिए जैसे रिलीज किया तो एक्स दूरी पर यह चार्ज पार्टिकल गया, कितनी दूरी पर गया, एक्स दूरी पर यह चार्ज पार्टिकल गया, एक्स दूरी पर जब ये चार्ज पार्टिकल पहुंचा तो इधर को जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा मान लीजिए वो एफ ई, ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई लगेगा, तो एफ ई की वैल्यू निकालो, तो एफ ई इक्वल टू कितना होगा, ए क्यू वन क्यू टू ओवर, अब डिस्टेंस कितना, एक्स, एक्स स्क्वायर, इतना होगा नहीं होगा, तो इस टाइम चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन कितना निकाला जा सकता है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इन द चार्ज पार्टिकल ए इज इक्वल टू एफ ई बाई एम, क्योंकि मास कितना है एम, एफ ई की वैल्यू कितनी है, एक्स दूरी पर इतना फोर्स है, तो ये आएगा ए क्यू वन क्यू टू ओवर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम, तो इनटू एम, इतना फोर्स आया, सॉरी इतना एक्सेलरेशन आया, दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको लिख सकते हैं वी इनटू डीवी ओवर डीएक्स। अरे बात समझ में आई, नहीं आई, बिल्कुल। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट करिए इसको, तो वी डीवी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई एम और इनटू एक्स स्क्वायर, तो ऊपर जाके हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू इंटू डीएक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे कि जब मान लो यहां पर हम देख रहे हैं इसको रिलीज किया है आर वन दूरी से, तो यू बराबर कितना है जीरो, या वी बराबर कितना है जीरो, वी बराबर कितना है जीरो, यानी रिलीज किया है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जब हमने एक्स बराबर आर वन लिया है, अरे यहां से देखो अगर हम इस पॉइंट को यहां ले तो एक्स तुम्हारा डिक्रीज होकर क्या रह जाएगा आर वन, तो जब एक्स बराबर आर वन आप ले रहे हैं तो वी की वैल्यू कितनी है जीरो, क्योंकि उस टाइम तो पार्टिकल को जब रिलीज किया तो कितनी वेलोसिटी थी जीरो, लेकिन जब हम एक्स इज इक्वल टू हम ले रहे हैं आर टू, हमने मान लिया कि अब पार्टिकल यहां पर आ गया रिलीज होकर के, यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो एक्स बराबर आर टू, तो वेलोसिटी हमने कितनी मान ली वी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा ये वी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लगाएंगे जीरो से वी तक, तो इज इक्वल टू ए क्यू वन क्यू टू बाई एम, ये तो कॉन्स्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट लगा देंगे इसमें आर वन से आर टू तक, तो यहां से वैल्यू जो आएगी दिस इज वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू दिस, टू से और इधर चला मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू ए क्यू वन क्यू टू बाई एम, और यहां आएगा वन ओवर एक्स माइनस का वन ओवर एक्स, तो ये आएगा 1 ओवर x का मतलब r2 माइनस है, तो r1 माइनस r2, हम इसको इतना लिख सकते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहां से हम बता सकते हैं कि इस जगह जो वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2a q1 q2 बाई m, 2a q1 q2 बाई m 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2, आएगा नहीं आएगा, आएगा, लेकिन भाई साहब इसमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपने लगाया, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपने लगाया और कैलकुलेशन भी आपको ज्यादा करनी पड़ी। सोचिए कि अगर मैं इसी काम को पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से करता तो मुझे इतना वर्क नहीं करना होगा, देख कैसे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगाओ, कैसे कैसे यूज करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट,
देखिए दो चार्जेस की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हम आगे इसको प्रूव करेंगे। मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, r दूरी पर है, तो इस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की U इज इक्वल टू ये होगा aQ1Q2 / r। ये भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको हम ड्राइव करेंगे अगले लेक्चर में। 12th क्लास में ये आता है, पूछ लिया जाता है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं आर दूरी पर, तो ड्राइव करिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी aQ1Q2/r होती है। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जब ये चार्ज Q1 Q2 r1 दूरी पर है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्जेस से जो रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मासेस से जो रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर लेंगे हम इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी आएगी UI इज इक्वल टू aQ1Q2/r1। क्लियर। अब हमने क्या किया, चार्ज को रिलीज कर दिया, चार्ज यहां पहुंच गए, तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी aQ1Q2/r2। क्लियर हो गया बात, अरे हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात यह कि भाई जब चार्ज यहां से यहां पर गए तो वर्क डन किसने किया, चार्जेस यहां से यहां जा रहे हैं तो वर्क डन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या सिस्टम कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया। नाउ अगर हम इसको देखें तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि यहां पर जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो भाई साहब यू इनिशियल ये, यू फाइनल इतनी है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई सॉरी ये तो कॉमन है तो ये आएगा 1/r1 - 1/r2। क्लियर हो गई बात। तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज ने इतना वर्क किया aQ1Q2/r1 - 1/r2। बट हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि यहां पर स्पीड कितनी हुई इसकी। तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है, वर्क एनर्जी थ्योरम, अरे पढ़ाया नहीं पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी सिस्टम पर फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे कंजर्वेटिव है, चाहे नॉन कंजर्वेटिव है, या किसी भी तरह का फोर्स है, कोई भी फोर्स ले लो आप, अगर किसी सिस्टम पर कुछ फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस की वजह से, उन सभी फोर्सेस की वजह से सिस्टम पर किया गया वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। हमने यहां पर Q1 Q2 चार्जेस का एक सिस्टम माना और हमने ये मान लिया कि दोनों ही चार्जेस फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हुए हैं। तो अगर हम देखें कि इस चार्ज पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो इस चार्ज पर एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर, जो कि कैसा है, इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। इस पर एक नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है mg, और एक क्या लग रहा है ऊपर सरफेस जिसके ऊपर ये चार्ज रखा है वो इस पर नॉर्मल लगाएगा। तो इन तीनों फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन आएगा इस चार्ज के ऊपर वो क्या आएगा, वो आएगा टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखिए कि यहां इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस जगह पर, के फाइनल, तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, ऑल दी फोर्सेस। तो अब तीन फोर्स लग रहे हैं, एमजी का बताओ कितना वर्क होगा, एमजी लगेगा नीचे, ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो इसका वर्क कितना आएगा, जीरो, क्योंकि एफ डी कॉस थीटा, थीटा 90 है, इसका वर्क भी क्या आएगा, वर्क डन जीरो। तो वर्क किसका आएगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का। तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो आएगा वो कितना आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स तो कितना आ गया, तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल तो जीरो, फाइनल ये है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे बट हमें तो ये पता है कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स आपका इतना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू
इसके बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसके इसके इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू वन क्यू टू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 2 इधर जाएगा तो 2a q1 q2 by m 1 over r1 minus 1 over r2 का स्क्वायर रूट, आया नहीं आया। देखिए हमने इंटीग्रेशन से किया था तब भी हमारा यही आ रहा था, और हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगाया तब भी हमारा यही आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमको इंटीग्रेशन से बचाता है, हमारी प्रॉब्लम को आसान करता है, कैलकुलेशन वर्क काफी कम कर देता है। तो इसलिए जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को करते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आसान करेगा प्रॉब्लम को। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लाया ही इसीलिए गया है जिससे कि आप इंटीग्रेशन से बच सके। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाए किसी भी सिस्टम की तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे। भाई पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से। अगर पोटेंशियल एनर्जी सपोज कि फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं की गई होती तो क्या फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, होती, वही इंटीग्रेशन का हमें कंसेप्ट लेना पड़ता। फिर भाई हम क्यों लाएं पोटेंशियल एनर्जी को, जिससे कि इंटीग्रेशन से बचें, कैलकुलेशन को छोटा कर पाए, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ाया है। मान लीजिए कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते तब भी आप पूरी फिजिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल और हम कैसे प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और अगर हम देखें तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम, इसको हम मान लीजिए अगला हमने एग्जांपल लिया कि ये हमने सपोज एक स्प्रिंग ले ली। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना ढंग से। ये हमने एक स्प्रिंग ली और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है और इससे हमने एक ब्लॉक को यहां पर बांधे हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन लेस सरफेस म्यू इक्वल टू जीरो ऐसे मान लीजिए। ये जो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ में, दिस इज नेचुरल लेंथ, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी मीन पोजीशन, क्लियर हो गया बात। अब सपोज कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम इस स्प्रिंग को इसको दबा करके कुछ, मतलब हमने मान लो इसको 4 सेंटीमीटर दबा करके छोड़ दिया, तो जैसे इसको हमने कंप्रेस किया तो कंप्रेस करके ये इधर की तरफ आएगी मेन पोजीशन, यहां स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर इधर जाएगी, फिर मैक्स स्पीड घटेगी, फिर मतलब इधर की तरफ आएगी स्पीड बढ़ेगी, तो ये इस तरह से इसमें ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा ये ऑसिलेशन, क्लियर हो गई बात। तो आपको फाइंड करना है कि जब ये मान लीजिए स्प्रिंग, अभी आप ऐसे मान लो कि ये मेन पोजीशन है, तो ये जो ब्लॉक है जब वो ब्लॉक यहां पर पहुंच जाएगा इस वाली पोजीशन में, तो ये जो डिस्टेंस आया ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और अब अगर ये ब्लॉक मान लीजिए यहां तक गया है तो ये आ गया मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो दूरी है ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आपको ये बताना है कि स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर कितना वर्क होगा, यानी कि स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, आप ये बताइए। फाइंड द वर्क निकालो, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक व्हेन ब्लॉक मूव्स, ब्लॉक मूव फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 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 एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ब्लॉक जो है वो 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर मूव कर गया इधर की तरफ, तो स्प्रिंग ने उस पर कितना वर्क किया, तो वर्क फाइंड करना है। फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन ब्लॉक्स मूव फ्रॉम एक्स इक्वल टू 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 एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैसे निकाल सकते हैं सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट निकालो, लगा लीजिए, अगर वो नहीं लगाते हैं तो इंटीग्रेशन वाला ही है। तो देखो इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी आपने ये पढ़ा है कि जब हम इसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तो इस पर एक फोर्स एक्ट होगा जो कि मीन पोजीशन की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स, माइनस मतलब मीन पोजीशन की तरफ। तो आप ये जानते हैं कि ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि एक्स चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा,
तो आपको बताया कि जब ये ब्लॉक 2 से 3 सेंटीमीटर की पोजीशन में जाएगा यानी इधर की तरफ चलेगा, तो जब ये मीन पोजीशन से सॉरी जब ये इस पोजीशन से इधर जाएगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये इधर की तरफ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, और ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस वाली डायरेक्शन में। तो वर्क डन अगर हम फाइंड करें कि भाई स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क लगाएगा, ये फोर्स कौन सॉरी वर्क करेगा, ये है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है स्प्रिंग फोर्स कितना, एफ इज इक्वल टू, अब मैंने डायरेक्शन डाल ले लिया तो इसे माइनस का साइन हटा दो, के एक्स, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट जब फोर्स नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, जितना भी उसका पाथ है, जितना भी उसका पाथ है उसको हम छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ते हैं, तो ये इस तरह से। तो मान लो कि ये हम यहां से चले मीन पोजिशन से एक्स दूरी, हमने इस एलिमेंट को कितनी दूरी पर लिया है, एक्स दूरी पर, तो एक्स दूरी पर कितना चले हैं ये हमने माना है डीएक्स। तो जब हम इस ब्लॉक को यहां से यहां मूव कराएंगे, इस ब्लॉक को मूव कराने का मतलब कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जब यहां पर है और जब ये यहां से यहां पर आएगा तो कितना वर्क करेगा स्प्रिंग फोर्स, ये निकालेंगे तो थोड़ा सा वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स स्मॉल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो कितना आएगा dW, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है कितना kx, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, इतना वर्क किया तो टोटल वर्क डन 2 से 3 तक जाने में, तो टोटल वर्क डन अगर हम निकालेंगे, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन kx, और लिमिट लगाएंगे यहां पर 0 से लेकर के, अच्छा के एक्स इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 180 है क्योंकि फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एफ यानी कि एफ डी कॉस थीटा होता है ना, तो एफ तो कितना है के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इधर एक्स, और थीटा कितना है 180, तो ये आएगा माइनस का के एक्स डी एक्स, और लिमिट आएगी यहां पर कितने से कितने तक, 2 से 3 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं, तो डब्ल्यू यानी कि वर्क डन जो आया दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाएंगे 2 से लेकर के 3 तक, तो माइनस के बाई 2, और ये आएगा 3 दिया 9 और 2 दुनी 4, तो यानी कि जो वर्क डन आया वर्क डन बाय स्प्रिंग दिस इज इक्वल टू माइनस का के बाई 2 इंटू 5, तो माइनस का 5 के बाई 2, माइनस का 5 के बाई 2, स्प्रिंग ने इतना वर्क किया, स्प्रिंग ने इतना वर्क किया, बात समझ में आई, ये स्प्रिंग का जो वर्क आ रहा है कैसा आ रहा है, नेगेटिव, कैसा वर्क आ रहा है स्प्रिंग का, ये नेगेटिव वर्क आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो इसका मतलब स्प्रिंग एनर्जी खर्च कर रही है, कहीं गलती है, देखिए कहां है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब ये स्प्रिंग इधर की तरफ जा रही है तो स्प्रिंग तो एलोंगेट हो रही है, तो स्प्रिंग में तो एनर्जी स्टोर हो रही है ना, इसका मतलब स्प्रिंग एनर्जी ले रही है, हाँ ठीक तो है, नेगेटिव है सॉरी, तो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, भाई वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि स्प्रिंग ने एनर्जी ली है, अरे नहीं आ रही बात समझ में, हमने क्या निकाला, ये टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, ये वर्क कैसा आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि के जो होता है वो कभी भी तुम्हारा नेगेटिव नहीं होता, के हमेशा पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू कैसी आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि स्प्रिंग एनर्जी ले रही है किससे, ब्लॉक से, तो वो तो लेगी, आपको पता है कि जब ये यहां पर जब ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन में होता है तो उस टाइम हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, और जैसे जैसे इधर की तर्फ जाती है तो यानी कि हम देख रहे हैं कि वर्क डन जो है स्प्रिंग के द्वारा वो नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब कि जो स्प्रिंग है वो एनर्जी ले रही है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो इससे ये क्लियर है, यानी कि स्प्रिंग इतना वर्क करेगी ब्लॉक पर, यानी कि ब्लॉक में से स्प्रिंग एनर्जी लेगी, अब कहां से, अच्छा स्प्रिंग में, सॉरी ब्लॉक में कहां से आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉक जब मेन पोजीशन में होता है तो उसमें स्पीड सबसे ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, तो जैसे जैसे ब्लॉक इधर की तरफ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती है, नहीं घटती, घटती है, तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, इसका मतलब ब्लॉक अपनी एनर्जी को कहीं खर्च कर रहा है, दे रहा है, तो किसको दे रहा है, स्प्रिंग को, भाई साहब पूरा लॉजिक समझिए, रट्टा मारने से काम चलने वाला नहीं है, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, कि अगर स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव आया है तो मतलब कि स्प्रिंग ने एनर्जी ली है,
क्लियर है। अब देखिए हम दूसरा जो कंसेप्ट लगाते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगाते हैं। हमें फाइंड करना है स्प्रिंग ब्लॉक पर कितना वर्क करेगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक इज एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 2 4 कैंसिल होगा 2 kJ। इतनी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक इज एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो यू फाइनल कितना आएगा, ये आएगा हाफ के 3 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 9/2 kJ। तो यानी कि अगर हम ये देखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यानी कि इज इक्वल टू du इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9/2 - 2, तो ये आएगा 5/2 kJ। यानी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया ये 5/2 kJ आया। क्लियर। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि अगर हम इस ब्लॉक पर ध्यान दें, तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए जब एक बॉडी या एक मान लो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको अगर विदाउट एक्सलरेशन हम चलाएं तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है वो क्या आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स या फिर माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय, अब देखो इसमें अगर हम देखें इंटरनल कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि स्प्रिंग इससे बंधी हुई है, तो स्प्रिंग इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, कितना लगा रही है kx, ध्यान दो इधर फोर्स कितना लगा रही है kx। अब सोचो कि अगर हम इसी फोर्स को इस पर रहने देते हैं, हम कोई अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगाए, तो भाई साहब इसमें तो एक्सेलरेशन होगा ना। अरे ये मोशन कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन। बट पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये कब डिफाइन किया जाता है, ये तब डिफाइन किया जाता है जब सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक पर अगर स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो हमें इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा kx, कितना लगाना पड़ेगा kx। तो जब हम kx फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ से, तो ये इस kx को काटेगा, तो जब ये इसको कैंसिल करेगा तो नेट फोर्स 0। अब इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो कितना आएगा k/5/2 × k। ये है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स। एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स ये कौन सा फोर्स है जो हमने इस ब्लॉक पर इधर की तरफ लगाया, जिससे कि ब्लॉक एक विदाउट एक्सेलरेशन के मोशन कर सके। क्योंकि मैंने आपको पिछले जितना भी इसमें अभी तक मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने आपको यही बताया है कि जब चार्ज पार्टिकल विदाउट एक्सेलरेशन मूव करता है, या कोई भी पार्टिकल या सिस्टम विदाउट एक्सेलरेशन मूव करता है, तो उस टाइम जो वर्क डन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स का, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ब्लॉक जो मूव कर रहा है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो इंटरनल फोर्स मतलब इस स्प्रिंग की वजह से रहता है, जिससे इस ब्लॉक के अंदर क्या है, एक एक्सेलरेशन बना हुआ है। हम इस एक्सेलरेशन को 0 करना चाहते हैं, तो हमें अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना लगाया, एक्स दूरी पर स्प्रिंग ने कितना लगाया kx, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा kx। तो इसकी वजह से जो वर्क हुआ है वो इतना हुआ है, तो इस फोर्स की वजह से, जो कि ये कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, कैसा है, स्प्रिंग फोर्स। तो इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से कितना वर्क होगा, तो हम इसको मान सकते हैं एक्सटर्नल कंजर्वेटिव, तो ये क्या होगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर लिखेंगे बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई माइनस वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स और फोर्स बाई और बाय स्प्रिंग फोर्स, ऐसे लिख सकते हो, और बाय स्प्रिंग फोर्स। यानी हमने मान लिया कि स्प्रिंग और ये एक सिस्टम बना रहे हैं। अभी मैंने कहा था कि हमने स्प्रिंग को सिस्टम से अलग माना था,
बट जब इसके साथ ये मोशन चल रही है तो हम इसके साथ एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो स्प्रिंग फोर्स आएगा ये कौन सा फोर्स आएगा, ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। इसको काटने के लिए हमें जो लगाना पड़ेगा kx, और इस kx का जो वर्क आएगा वो आएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो इसका वर्क कितना आएगा इंटरनल का, उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहां से लिखेंगे तो देयरफॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना है ये, माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये माइनस खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां रह जाएगा वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स। तो इधर आएगा ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल या माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना आया है ये ना, तो ये आएगा माइनस का 5/2k। तो दोनों में आपने देखा कि आंसर सेम आ रहा है, यहां भी सेम आ रहा है और यहां भी सेम आ रहा है। बात क्लियर हो गई भाई साहब, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स इनका डिफरेंस आप बिल्कुल क्लियर रखें। यानी एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या बन जाए, जीरो। अगर किसी सिस्टम में इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमें अपनी तरफ से एक फोर्स कंसिडर करना है एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा उसकी वजह से वर्क होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अगर इंटरनल फोर्स की वजह से निकालना पड़ रहा है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए कुछ एक चीजें और हैं कि मैं आपको बताऊं, जहां आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर या किसी भी बॉडी की आपको दी हुई है, तो आप ये बता सकते हैं कि उस बॉडी पर या उस पॉइंट पर कितना कंजर्वेटिव फोर्स होगा, आप ये फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, ये कंसेप्ट और हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो 12th वाला पार्ट है वो हमारा शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखिए मैं एक डेरिवेशन आपको करा रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कई बार क्या होता है किताबों में देखिए आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, वहां पर लिखा होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर वहां लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो हम लगाते हैं अपनी तरफ से एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए। तो अगर हमें एक्सेलरेशन को जीरो करना है तो वहां पर आएगा डी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, बट जनरली एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स होता नहीं है, सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स लगता है। तो इसलिए डी यू जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स या सिंपल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मान लीजिए ये हमारे एक्स एक्सिस और ये हमारे वाई एक्सिस, आप इसको समझिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स जो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है ये लग रहा है डीएफ, यानी कि हमने सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, ये एफ न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स की तरफ। इस फोर्स की वजह से मान लो बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये पार्टिकल है मान लो कोई भी, इस पर फोर्स इधर लगा एफ, इसकी वजह से मान लो ये पार्टिकल यहां आ गया, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जो आया है वो आया है dx, वो भी किधर है, फोर्स की डायरेक्शन में। ये जो मैं समझा रहा हूं इट इज वेरी वेरी यूजफुल जो बात है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमने एक पार्टिकल लिया, अगर मान लीजिए उस पर फोर्स एफ डायरेक्शन में लग रहा है और उस फोर्स से अगर डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू एफ डॉट dx। तो कितना आएगा, एफ इंटू dx, अरे आएगा नहीं आएगा, एफ डॉट dx यानी cos 0 क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो एफ डॉट dx ये वर्क डन आ गया। अब मान लीजिए ये जो वर्क डन है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, यहां मान लो पोटेंशियल एनर्जी क्या है ui और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है uf, नहीं आई बात समझ में, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल कितनी है ui, इस पर फोर्स लगा x डायरेक्शन में जिससे पार्टिकल x डायरेक्शन में गया तो यहां पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई u फाइनल। तो uf माइनस u फाइनल, uf माइनस u फाइनल इसको लिख सकते हैं हम du, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितनी होती है du, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो एफ हमने क्या माना है, कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस और ये कितना है एफ इंटू
dx, क्लियर हो गई बात। तो यहां से अगर हम f की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू du ओवर dx, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टार मार्क कर लो, यानी कि f इज इक्वल टू माइनस du ओवर dx, यानी कि x के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी वेरी हो रही है, du ओवर dx आ जाएगा। इसमें आपको यह बात ध्यान रखनी है कि x की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन ये दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन, ये जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे सेम डायरेक्शन में होगा। अब सोचिए कि अगर मान लो हम थ्री डायमेंशन में सोचें इस बात को, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ऐसे पार्टिकल मान लो यहां पर है, ठीक है, यहां पोटेंशियल एनर्जी यू आई, पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां कितनी हो गई यू फाइनल, और फोर्स कितना लगा है इसमें, एफ न्यूटन का फोर्स लगा, ये एफ न्यूटन, तो ये एफ न्यूटन ना तो एक्स की डायरेक्शन में, ना वाई की डायरेक्शन में, ना जेड की डायरेक्शन में, इधर से इधर जो ये डिस्प्लेस हुआ है ये डी आर वेक्टर गया है, कितना गया है ये डी आर वेक्टर। तो हम इस फोर्स की अगर वैल्यू देखें तो इस फोर्स के तीन कंपोनेंट कर लेंगे, एक इधर जाएगा, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स, एक इधर की तरफ जाएगा ये एफ वाई, और एक जेड डायरेक्शन में जाएगा, मैं ऐसे बना देता हूं, दिस इज जेड डायरेक्शन, एक इधर जाएगा ये एफ जेड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एफ वेक्टर लिखो तो f वेक्टर कितना आएगा, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि जो फोर्स f इधर लग रहा है जिसकी वजह से एनर्जी पार्टिकल की यू आई से यू एफ हो गई है, उस फोर्स को अगर हम लिखें तो एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप लिख लो, जो वाई डायरेक्शन में जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन में के कैप, तो f की वैल्यू कितना लिखा जा सकता है। अच्छा जी, अब इस फोर्स की वजह से पार्टिकल देखो एक्स डायरेक्शन में भी गया, एक्स डायरेक्शन मान लो कितना गया dx, वाई डायरेक्शन देखो यहां गया है ना, यहां से तो एक्स में भी गया, वाई में भी गया, जेड में भी गया है, तो इधर को कितना गया है वो dy, और जेड में कितना गया है dz। तो अब आप एफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, तो एफ वैक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स कितना होगा, देखो एक्स डायरेक्शन में अगर पार्टिकल जा रहा है तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस du ओवर dx i कैप माइनस एफ वाई की वैल्यू du ओवर dy j कैप प्लस सॉरी माइनस ये आएगा du ओवर dz k कैप। क्लियर हो गई बात, यानी पोटेंशियल एनर्जी फोर्स का रिलेशन आ गया। मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन है एक से ज्यादा वेरिएबल का, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई भी मान लो फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का होता है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो d की जगह पर हम लेते हैं डेवर, क्या लेते हैं डेवर। तो जनरली क्या है कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर, मान लो वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स वाई जेड। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है एक्स वाई जेड का है, तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर आई कैप सॉरी पोटेंशियल है तो स्केलर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड ऐसे ले लीजिए आप, या थ्री जेड स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो उस बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, उसको इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि u जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो जब हम du ओवर dx या du ओवर dy या du ओवर dz लिखेंगे तो d की जगह पर सिंबल क्या लेना है, डेवर। तो इसको जो लिखा जाएगा, ये जो लिखने का तरीका है ये तरीका गलत है, इसको लिखेंगे हम f वेक्टर इक्वल टू माइनस डेवर u ओवर डेवर x i कैप माइनस डेवर u ओवर डेवर y j कैप माइनस डेवर u ओवर डेवर z k कैप, ये हमारा सही तरीका है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर गिवन है, या पोटेंशियल एनर्जी आपको स्पेस में गिवन है कि अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यानी कि फंक्शन दिया हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि उस पार्टिकल पर जो उसकी पोजीशन वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा। तो इसी को ही सॉल्व कर लो, तो कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल हमने लिया यू इज इक्वल टू, छोटा सा एग्जांपल ले लो, चलो जेड को छोड़ दो, ठीक है, दो वेरिएबल में ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, तो फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो कितना आएगा कंजर्वेटिव फोर्स, एफ इज इक्वल टू एक्स और वाई का फंक्शन है
तो यहां आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस डेवर यू ओवर डेवर एक्स आई कैप माइनस डेवर यू ओवर डेवर वाई जे कैप। तो डेवर यू ओवर डेवर एक्स करो, तो जब हम डेवर यू ओवर डेवर एक्स करेंगे तो यानी एक्स का एक्सपेंड करेंगे तो दूसरे को क्या मान लेते हैं कॉन्स्टेंट, तो ये क्या आएगा दिस इज इक्वल टू टू एक्स आई कैप, टू एक्स आई कैप, और इसका क्या हो गया जीरो। तो यहां टू एक्स आई कैप आएगा प्लस, अब हमें क्या करना है सॉरी ये माइनस है, क्या ये माइनस, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका करना डेवर यू ओवर डेवर वाई, अब इसको वाई के रेस्पेक्ट में करो, तो जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट, तो इसका कितना आएगा माइनस टू, माइनस टू जे कैप। अगर मान लो हम जेड स्क्वायर भी यहां ले रहे होते प्लस, लो जेड स्क्वायर ले लो यहां पर, तो फिर हम क्या करते हैं यहां पर जहां जेड स्क्वायर और अगर हम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो अब एक्स और वाई कॉन्स्टेंट हो गए तो क्या आएगा टू जेड, तो माइनस टू जेड के कैप, तो भाई साहब ये फोर्स की वैल्यू आएगी, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। कैसा फोर्स आ गया कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कोई भी फोर्स आप लिख रहे हो किस फॉर्म में एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये जो फोर्स आप लिख रहे हैं दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इस फॉर्मेट के जो फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एफ एक्स यानी एक्स का फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट ये जेड का फंक्शन, तो ये कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिविन होती है, अगर आपको स्पेस में कहीं पोटेंशियल एनर्जी गिविन है यानी कि उसका फंक्शन आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, तो आप ये बता सकते हैं कि उस जिस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है उस बॉडी पर कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्स निकालना आपको आना चाहिए। तो देखिए इस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है, मैंने आपको क्लियर बताया पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, प्रॉब्लम को आसान करता है, इंटीग्रेशन से बचाता है, और कैसे इंटीग्रेशन से हम बचते हैं वो हमने डिस्कस किया। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस स्टेट पर डिपेंड करती है, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, वर्क और एनर्जी दोनों डिफरेंट थिंग होती है। इसे मैंने आपको यही बताया कि जो एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स है वो कितना वर्क करेगा दैट इक्वल टू माइनस इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क करता है। एक्चुअल में हमें पूरे सिस्टम में जो ध्यान रखना होता है वो ये है कि अगर मान लो सिस्टम मूव कर रहा है तो किसी पार्टिकल में अगर एक्सलरेशन आ रहा है तो उसकी एक्सलरेशन को हमें जीरो करना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसकी वजह से जो वर्क आएगा तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना किया उसका नेगेटिव आएगा। क्लियर होगी बात, ये हमने यहां पर कुछ बातों को डिस्कस किया। अब देखिए यहां हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमने यहां पर डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल, अगले लेक्चर में पोटेंशियल को भी हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है ट्वेल्थ लेवल से उसको हम पढ़ेंगे, बट पोटेंशियल जो है और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है भाई साहब, एक ही चीज होती है, दोनों ही एक चीज होती है, बट एक ही फर्क है जो आपको ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। मान लीजिए हमने ये Q1 Q2 दो चार्जेस का सिस्टम बनाया, अगर हम Q2 इज इक्वल टू वन कूलम लेकर के ये सिस्टम बनाए, Q2 इज इक्वल टू वन कूलम लेकर के ये सिस्टम बनाए, तो इस चार्ज की वजह से इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी जिसमें ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज कितना है 1 कूलम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, बट उसमें ये चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम। तो आप जो पोटेंशियल पढ़ते हैं, पोटेंशियल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम दो चार्जेस या दो मासेस का सिस्टम बनाते हैं तो उसमें एक मास को क्या ले लो 1 किलोग्राम, एक चार्ज को क्या ले लो 1 कूलम। तो जब किसी सिस्टम के अंदर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज 1 कूलम है तो वो जो सिस्टम बना उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उस 1 कूलम पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक मास है मान लीजिए ये एम1, चार्ज है क्या ले लो मास, मान लो एम, और यहां पर दूसरा मास ले लो 1 किलोग्राम। तो अब हमने ये सिस्टम बनाया एम मास और 1 किलोग्राम मास का, आर दूरी पर रखे हुए, तो अब ये सिस्टम बनाने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ा वो कितना वर्क करना पड़ा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो आप देखते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल वास्तव में क्या है, वर्क डन है एक सिस्टम का, जो सिस्टम को बनाने में किया जाता है, कैसे सिस्टम जिसमें कि एक या तो चार्ज हो 1 किलो 1 कूलम का या दूसरा मास हो 1 किलोग्राम का,
तो ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज ले रहे हैं तो एक चार्ज 1 किलोग्राम हो, सॉरी 1 कूलम हो, मासेस का सिस्टम ले रहे हैं तो एक मास क्या हो, 1 किलोग्राम हो। तो ऐसा जो सिस्टम बनाया जाता है उस सिस्टम को बनाने में जो किया गया वर्क है वो पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर चार्जेस का सिस्टम है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, मासेस का सिस्टम है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो अब हम इनकी सबकी चर्चा करेंगे। तो हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पोटेंशियल होते हैं वो सिस्टम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल के बारे में कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। किसी भी सिस्टम में अगर हम एक चार्ज ले रहे हैं, चार्जेस का सिस्टम ले रहे हैं, अगर उसमें हम एक चार्ज 1 कूलम का ले रहे हैं तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वेयर 1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड। क्लियर हो गई बात। वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।